नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। अभी अभी उत्तर प्रदेश में पीटे गए ओएसी, भड़का रहे थे दंगा, मचा भगदड़, वीडियो वायरल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ओएसी की गजब पिटाई। ओएसी घुस गए हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव सरपंची का। आश्चर्य की बात है कि सरपंची का चुनाव ओएसी लड़ेंगे। इनके पार्टी के लोगों को टिकट दिया जा रहा है ओएसी। इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव, उसमें ओएसी चुनाव लड़वाने वाले हैं अपने लोगों को। और उसके साथ ही साथ 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है ओएसी ने। लेकिन गजब बात यह है कि ओएसी जैसे दंगाई लोगों को उत्तर प्रदेश में चुनेगा कौन? ये बिहार में वोट पाकर चंद वोटों के मत्थे के दम पे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, और इनको लगता है शायद उत्तर प्रदेश में कोई स्वीकार करेगा। तो आपको बता दें, ओएसी को समाजवादी पार्टी वालों ने ही दौड़ा लिया, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज ने तो कह दिया कि ये ओएसी कुछ नहीं करेंगे, ये हमको वोट देंगे। पिछली बार भी वोट दिया था, इस बार भी वोट देंगे। दरअसल ओएसी वोट कटुआ के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में कुछ वजह थी जिनकी वजह से 6 सीटों पे जीत गए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से वोट कटुआ के रूप में जाने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने इनके ऊपर आक्रोश दिखाया और उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पे लोगों ने जमकर बरसा ओएसी पर और कहा कि ओएसी उत्तर प्रदेश में क्या करने आए हो, अपने भाई को बुलाओ, उस भाई को जो 20 करोड़ मुसलमानों के दम पे 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी होने की बात करता है, कत्लेआम करवाने की बात करता है, उसको बुलाओ, वो आए चुनाव लड़ने, और उसको बताया जाए, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता कैसे किसको चुनती है। ये तो वही जानेंगे जो उत्तर प्रदेश के लोगों से पाला जिनका पड़ा है। आपको बता दें, अभी सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता आए थे रायबरेली में और उन्होंने धमका दिया था योगी आदित्यनाथ को, और यह भी आपको जानकारी मिली होगी कि पुलिस उनकी सुताई शुरू कर
मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।